राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारी शिकायतें मुझे आ रही हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ प्रमोशनल वीडियो कर रहे हैं, तो आपके व्लॉग कहाँ हैं। बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका नाम मैं बताना नहीं चाहता, जिसने आज ऑरेंज कलर का वो पहन रखा है सूट, और ये देखो दे रहा, और ये देखो इन्होंने जो है इतनी लंबी छोटी ले ली हाथ में, क्या करेंगे इस छोटी का हमें पता नहीं है। और ये लड़की बहुत रोतड़ी है, बहुत जल्दी रो देती है, इमोशनल है, इमोशनल। और ये तैयार होके जा रही है, पता नहीं क्या करेगी, परफॉर्मेंस बता रही है, देखेंगे परफॉर्मेंस हम शाम को। और अभी इन्होंने चोटी बांध ली है, देखो भी चोटी बांध दो तेरी। अब गाना बजेगा, है मेरे वतन के लोगो। और कौन सा आपका सोचो, ढोल जगीरो दा, और बताने की नहीं, सोचो सोचो। अभी जो है पाखी रेडी हो चुकी है उसके स्कूल में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उसका फंक्शन था, तो इसलिए वो रेडी हुई थी, सूट सलवार डाले उसने, और थोड़ा सा मेकअप घर से ही करके जाना था, तो मैंने हल्का फुल्का सा इसका मेकअप कर दिया था और ये रेडी हो चुकी है। जूती मैंने इसलिए इसको ये दे दी थी क्योंकि बोल रही थी कि वहाँ तो नंगे पैर ही डांस करना है, चप्पल मैंने इसलिए नहीं, मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा तो जूती ही पहन जाओ, और इसको ये जूती सही भी आ रही थी, थोड़ी ही बड़ी थी। तो जी पाखी को बोलते हैं बाय बाय, ये चली जाएगी अभी और स्कूल, और उसके बाद में जो है मैं करूँगी अपना पाखी का काम। और इस टाइम जो है 6:30 बजे तक पाखी का ही काम हो पाता है, उसको स्कूल भेजने का ही, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी वो, बच्चे होते ही हैं, और ये तो भैया स्कूल में कुछ हो तो ये तो रहती है, ये फुल ऑन एक्साइटेड रहती है, कभी स्कूल से ना ही छुट्टी करती है, और कभी भी ये नहीं बोलेगी नहीं मम्मी आज मुझे आलस आ रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना है, कभी नहीं करती। यहाँ पे जो है अनाया उठ गई थी, मैंने सोचा कि चलो कोशिश करती हूँ इसको सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, बाकी का काम अपना तभी कर लूँगी। बच्चे के साथ में इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि जब वो सोए तभी हम जो है कुछ काम करें, और ये इसका पालना था उसमें से निकाल के, पाखी नहीं एक दिन इसको इस तरीके से वो किया था, तो ये इसमें सो जाती है और आराम से रह भी लेती है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो ही चुका है, तो मैं यहाँ पर जो है भी मलाई निकाल रही हूँ, और फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं, मुझे काम वीडियो भी करना था, और फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं, आज स्पेशल डे भी है, स्पेशल डे पे आज थोड़ा सा तैयार भी हो जाता है। दूध रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है आज है 15 अगस्त, तो आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बार जो है वो बहुत ही उत्साह के साथ में, बहुत ही ज़्यादा चहल पहल के साथ में जो है 15 अगस्त मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है हर घर तिरंगा, और बहुत सभी स्कूलों के बच्चे जो है वो गाँव, हम छोटे थे हम स्कूल जाते थे तब भी ये होता था, जब 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी होगी तो इसी तरीके से गाँव में को झंडा लेकर के निकलते थे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुबह से जो है वो मंदिरों में भी और वैसे भी जो है वो पूरी चहल पहल है। और पाखी का तो स्कूल था जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, शायद नहीं बताया था, तो उसने पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो वो तो स्कूल
जाना ही था, वो तो वैसे भी नहीं मानती, और जब पार्टिसिपेट किया हुआ है तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं मानेगी। मैंने जो है ये अभी साड़ी पहनी है और मैंने एक वीडियो भी बनाना था आप लोगों के साथ में शेयर करना था, तो फिर मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं और फिर जो है आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करते हैं। तो आप किस किस तरीके से, मैं सोची जब हम त्यौहार पर अच्छे से खाना पीना बनाते हैं तो क्यों ना 15 अगस्त पर भी एक अच्छा सा, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं, पनीर बना लेंगे और उसके साथ में जो है थोड़ी सी सेवैयाँ बना लेंगे और उसके साथ में जो है मैं बनाऊंगी टमाटर वाले पुलाव। हाँ, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अभी इसकी ब्लाउज़ नहीं है तो मेरे पास में यही थी, मैंने इसके साथ में यही डाल लिया। और मैं साड़ी वैसे मैं पूरी दिखा देती हूँ पर इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्ड की। साड़ी कैसी लग रही है, साड़ी नहीं दिखेगी, साड़ी आप लोगों को एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें आप लोगों को पूरा लुक मेरा दिख जाएगा। चलिए फिर ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू कर। और अभी जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है चावल भिगो के, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ में जो टमाटो राइस होते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, पुलाव बनाऊँगी, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी और मीठे में मैं बनाऊँगी सेवैयाँ, क्योंकि त्यौहार हो ज़रूरी नहीं है कि हम त्यौहारों पे ही इस तरीके का खाना बनाए। आज 15 अगस्त है तो मैंने आज भी स्पेशल खाना ही बनाया था। हमारे घर में देखिए मिडिल क्लास फैमिली में रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें नहीं बनती है, कभी कभार जब कोई स्पेशल डे होता है तभी हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें रिफाइंड और थोड़ा सा देसी घी डाल के मैं पनीर बना रही हूँ, और पनीर जो है वो मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। कई तरीके के पनीर की रेसिपी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ में जितने तरीके के पनीर होते हैं सबकी रेसिपी शेयर करूँ कि कितने तरीके का पनीर बनता है। स्टार्टिंग आज से ही कर दिया है, ये है बिल्कुल सिंपल पनीर। इससे नेक्स्ट जब रेसिपी शेयर करूँगी तो मैं करूँगी शाही पनीर की, तो ये बिल्कुल सिंपल वाला जो पनीर बनता है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। प्याज डाल दी है और इसमें मैंने हल्दी डाल दी है और मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है। अभी टमाटर को मैंने चॉपर में जो हाथ वाला है उसमें चॉप कर लिया था, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, और बस जैसे ही ये टमाटर जो है वो पक जाएंगे फिर मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। यहाँ पे जो है कसूरी मेथी को हाथों पे ही क्रश करके मैंने जो है डाल दी है इसमें, और अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पनीर मसाला। ये मैंने पनीर का मसाला मंगा के रखा हुआ है, पनीर मसाला इसमें डाल दिया, अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए मैं इसमें मलाई डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें दही डाल दूँगी, इससे जो है पनीर का टेस्ट दुगना हो जाता है अगर हम दही और मलाई पनीर में डालते हैं, तो इसी से जो है टेस्ट अच्छा आता है। अभी मैंने इसमें डाल दिया है दही, दही को डालते ही बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाते रहना है वरना जो दही है वो फट जाता है। कोशिश करें अगर आप गैस बंद करके ठंडे उसमें दही डालें तो भी बढ़िया रहेगा, और अगर आप इसको ऐसे प्रॉपर चलाते रहोगे तो भी सही रहेगा, फटती नहीं है। फिर अभी मैंने इसमें डाल दिया पनीर, और आज मैं पनीर के साथ में बनाने वाली हूँ पुलाव, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो पतली रखी है, ज़्यादा टाइट नहीं किया है। मैंने इसमें डाला है देसी घी और फिर डाल दिया जीरा, और फिर मैंने इसमें 2 टमाटर जो है उसको चॉप कर लिया था, और इसमें मैं डाल दूंगी अभी टमाटर, और इसमें सिर्फ मैं 3 मसाले डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन मानिए अगर आप इस पुलाव की रेसिपी को आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप हर चीज़ के साथ में इस पुलाव को बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चावल को मैंने भिगो के रखा हुआ था, मैंने 1 कटोरी चावल लिया था, 1.5 कटोरी मैं इसमें पानी डाल दूंगी, यानी कि 1.5 गुना पानी जाता है। 1 सीटी आने पे तुरंत बंद कर दीजिए, आपके जो चावल हैं पुलाव है कुकर में बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये होता है कि चिपचिपे बनते हैं ये वो, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बढ़िया तरीके से मैंने इसमें जो है वो मिक्स कर दिया है, ऊपर से मैं भी इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मटर, तो ये फ्रोजन मटर हैं तो इसलिए मैंने बाद में डाल दिए। फ्रोजन मटर का यही फ़ायदा होता है कि उनको ज़्यादा पकाना या भूनना या तलना कुछ भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ढक्कन लगा देंगे 1 सीटी आने पे बंद कर देंगे, जब कुकर ठंडा हो जाएगा तभी इसको खोलना है, बीच में नहीं खोलना है। मैंने हरी मिर्च डाल दी है और पनीर जो है लगभग हमारा बनके हो गया है तैयार, बस इसको मैं ऐसा ही रखूँगी, ज़्यादा इसको टाइट नहीं करूँगी। अभी थोड़ी सी इसमें कसर है तब तक मैं बना लेती हूँ सेवैयाँ, तो मैं डाल लूँगी कढ़ाई में देसी घी, और देसी घी डाल के फिर मैं इसमें डाल लूँगी सेवैयाँ,
और इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे इसमें बढ़िया तरीके से, जब तक कि ये सुनहरी नहीं हो जाती है, लाल लाल सी नहीं हो जाती, काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आपको खाने के साथ में कुछ मीठा बनाना हो तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत जल्दी ही बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। तो जी देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से सुनहरी हो चुकी हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया है दूध, और इसमें उबाल आते ही फिर डालेंगे हम चीनी, और सेवैयाँ हमारी बन करके हो जाएगी तैयार। थोड़ी ही बनाई है मैंने, गोपाल जी को भोग लग जाएगा, और मुझे तो खाने के साथ में मीठा पसंद है ही। तो देख सकते हैं आप, तेल जो है वो ऊपर आने लगा है, तो पनीर हमारा बन के हो गया है तैयार, और सेवैयाँ भी हमारी जो है वो खदक रही हैं। मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से बादाम, इससे जो है बढ़िया देखने में अच्छा लगेगा, है ना। तो इसको चला देती हूँ अभी थोड़ी सी देर, इसको और खदकने दूंगी जब तक ये बढ़िया तरीके से कट नहीं जाएंगी। तो जी देखिए, हमारे पुलाव जो हैं वो भी बन करके तैयार हो गए हैं, और अभी लगा लेते हैं थाली। पुलाव है और इसमें पनीर है और सेवैयाँ हैं, हमारी थाली हो गई है तैयार, और बड़े मस्त लगे थे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगे थे पुलाव, बहुत अच्छे लगे थे। सिंपल वाला पनीर झटपट से बन गया। और अभी ये सब्जी लेके आए हैं, और सब्जी में है तोरी, आलू, टमाटर और प्याज, और इसमें है केले, और ये है मावा जो कि भिजवाया है मौसी जी ने, और यानी कि जो मेरी भाभी का मायका है ना, वहाँ से ये मावा आया है, और पूरा ये डब्बा भर रहा है, मेरी तो सारी ही मिठाई इसी में बन जाएगी। और इधर बन रही है चाय, अभी रखी है बनने के लिए, तो ये धीरे धीरे जो है चाय हमारी बनती रहेगी। तो भाभी ये कड़े मेरा चूड़ा था वो पहन के गए थे, तो उसका ना एक एक कड़ा रह गया था, तो उन्होंने ये भी भिजवा दिया, क्योंकि इस कड़े एक कड़े के बिना ही जो है वो पूरा चूड़ा ही जो है वो ख़राब हो रहा था, तो इसको मैं उसी में रख दूँगी। और आज मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ अनाया, कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी बट सब कुछ पेंडिंग हो गया। अभी उसको सुलाया है, और अब देखती हूँ जो थोड़ा बहुत काम मैं कर पाती हूँ। ये मैंने सामान निकाल के रखा हुआ है वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, तो ये इधर रखा है, जोत तो मैंने जला दी है, तो ये भी सब कुछ वीडियो बनाना है उसके लिए सारा सामान रखा हुआ है। दूसरा जो है मुझे भी खाना भी बनाना है, तो आज मैं खाने में कुछ सिंपल और तोरी की सब्जी और रोटी, बस ये दो चीज़ बनाऊंगी, बाकी का कुछ नहीं। वीडियो के लिए कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ में रिकॉर्ड करने के लिए वो मैं फिर बाद में बनाऊंगी, आज तो टाइम नहीं है। आज मुझे मेरा जो है वीडियो का काम ख़त्म करना है, इसलिए अपना व्लॉग जो होता है वो अलग होता है, और जो ये वीडियोस होती हैं इनकी जो एक टाइम होता है, सही टाइम पे देना होता है वीडियो। तो बस मैं आज वीडियो ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही जो है बाकी का काम और करूँगी। लाइट आ गई है शायद, फिर चली गई, आज लाइट पूरा परेशान कर रही है, मुझे मशीन लगानी थी, क्योंकि मौसम ख़राब है तो इस वजह से लाइट दिक्कत कर रही है। जो भी ये सामान लेकर के आए थे अभी, मैंने वो सारा ही सामान जो है, जैसे फ्रूट्स लाए थे, सब्जी लाए थे, और भी कुछ चीज़ें लाए थे, तो वो सारी मैंने जो है वो डाल दी है। मैं यहाँ पे बच्चों को देख रही थी, क्योंकि पाखी जो है वो अनाया को ले रही थी, मैं कह रही वो बाहर लेके तो नहीं चली गई, ये बोले नहीं अंदर है, वो टीवी देख रही है, अनाया भी चुप है। मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरा साड़ी पहनने का सच में जिस दिन मैं पहनती हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं त्योहारों पर साड़ी ही डालूँ, या कोई स्पेशल डे हो तो मैं साड़ी डालूँ, पर अनाया के साथ
में थोड़ी सी होती है, मुझे साड़ी पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। तो जी बस यहाँ पे कपड़े भी धोए थे, वो भी मैंने जो है वो अंदर रख दिए हैं, उनको तह लगा दूँगी। सारी लाइट वाइट जो भी होती है वो सब चेक करने की ज़िम्मेदारी हम हाउस वाइफ की होती है, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी हमारी है। मैं पूरे घर में यही देखती रहती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं जल रही, कहीं पर पंखा तो नहीं चल रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ, हमारा जो है वो जो हमने घर लेना था वो हमारा फाइनल हो चुका है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा त्यौहार का टाइम चल रहा था और थोड़ा सा हम बिज़ी भी चल रहे थे, और देखिए बहुत बड़ा काम है तो थोड़ा इंतज़ाम भी करना पड़ता है, उन सब चीज़ों में लगे हुए थे। बहुत जल्दी ही जो है हम आपके साथ में अपना नया नया घर शेयर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।